हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट कब जो हमारा फिफ्थ पेपर है, कोड है 1005, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं, या संविदा विधि के सिद्धांत कह देते हैं। अब से पहले मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग क्वेश्चनों की सीरीज दे चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप वो देख चुके होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए लेके आया हूं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। हमारे पेपर में ये अक्सर आते रहते हैं और हम लॉन्ग क्वेश्चनों के चलते हुए, लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन के चलते हुए, हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को टच नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके इन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में टच करते हुए आपके इन्हीं क्वेश्चनों को मैं करवा देता हूँ। देखो, ज़्यादा डीपली लेके नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा समझ के हम इन्हें प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि अब से पहले जो मैंने वीडियोज़ कराई हैं आप उनमें अच्छा याद और तैयारी कर चुके होंगे, जिससे कि अब आपको इतना समय इन्हें समझने में नहीं लगेगा। तो हम अपने चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, और ये हैं हमारे 14, जो हम बहुत ही जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, पहला है प्रत्यक्ष संविदा। प्रत्यक्ष संविदा इसे देखते हैं, जब संविदा की शर्तें, प्रत्यक्ष संविदा को समझते हैं, जब संविदा की शर्तें लिखित या मौखिक होती हैं, एक तो लिखकर होती हैं या मुंह से बोलकर होती हैं, तो प्रत्यक्ष संविदा कहते हैं। जैसे ए और बे आसपास बैठे हैं, ए कहता है कि वह अपना स्कूटर बे को 6,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार है। बे कहता है कि उसे 6,000 रुपये में ए का स्कूटर खरीदना स्वीकार है, यह स्पष्ट है, यह व्यस्त व्यक्त संविदा है, यह स्पष्ट एवं व्यक्त संविदा है, स्पष्ट या व्यक्त, स्पष्ट एवं व्यक्त संविदा है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आमने सामने खड़ा होकर, या तो लिखित में या मौखिक, जब कोई संविदा को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रत्यक्ष संविदा होती है। प्रत्यक्ष संविदा यानी आमने सामने बैठकर कर संविदा, ये नहीं है कि डाक द्वारा या किसी और तरीके से संविदा होती है। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित होकर संविदा हो रही है। अगला चलते हैं अप्रत्यक्ष संविदा। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपनी टैक्सी लेकर टैक्सी स्टैंड पर खड़ा होता है, तो उसके इस आचरण से यह प्रकट होता है कि वह किराया लेकर यात्रियों को उनके इच्छित स्थान पर पहुंचाने का प्रस्ताव करता है, और किसी यात्री का उसकी टैक्सी में बैठना उसके प्रस्ताव की स्वीकृति माना जाता है। इस प्रकार की संविदा अपलक्षित एवं अव्यक्त संविदा कहलाता है। जब संविदा की शर्तें शब्दों के अन्यथा पक्षकारों के आचरण से होती है, उसे अप्रत्यक्ष संविदा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति, अब इसमें साफ साफ बोल रखा है, जब कोई व्यक्ति टैक्सी लेकर टैक्सी स्टैंड पर खड़ा है, तो वहां पर वो बोल के संविदा नहीं करेगा, वहां पे ऑलरेडी व्यक्ति उसके हावा वेशभूषा और उस स्थान पर खड़े होने के कारण उससे खुद ही संविदा करने के लिए आ जाएंगे। ये होती है अप्रत्यक्ष संविदा। प्रत्यक्ष संविदा दोनों को उपस्थित होते हैं, लिखित में मौखिक होती है। ठीक है, यहां पर दूसरा पक्ष खड़ा रहता है और प्रथम पक्ष उसके पास आता है। कोई व्यक्ति टैक्सी पर बैठता है तो अप्रत्यक्ष रूप से किराया देना स्वीकार करता है, या स्टॉल स्टॉल से समाचार पत्र लेता है तो कीमत देना स्वीकार करता है, जहां पे हम खुद उनके पास जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यक्ष संविदा में क्या था, दो व्यक्ति खुद बैठकर कहीं पर संविदा कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष संविदा में क्या है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास खुद चलकर आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई परचूने की दुकान है,
या किसी व्यक्ति ने ट्यूशन खोल रखा है या कोई स्कूल है, वो अप्रत्यक्ष संविदा है, क्योंकि हम उनकी सुविधा लेने के लिए खुद वहां पर जाते हैं। तो ऐसी संविदा अप्रत्यक्ष संविदा कहलाती है, जहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रलक्षित परलक्षित संविदा। परलक्षित संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा जहां पक्षकारों का आशय, मतलब पक्षकार यानी प्रथम और द्वितीय पक्ष यानी दोनों पक्षों का उद्देश्य संविदा ना करना हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना ना हो, लेकिन विधि के द्वारा संविदा उन पर आरोपित हो जाए, मतलब दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। यहां पर ना तो प्रथम पक्ष संविदा कर रहा है ना द्वितीय पक्ष संविदा कर रहा है, उन पर आरोपित हो जाए, जिसके अंतर्गत पक्षकार उसी प्रकार से दायित्वाधीन होते हैं जैसे संविदा के अंतर्गत होते हैं। मतलब प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष कोई संविदा करना नहीं चाहते थे, उन पर संविदा आरोपित हो जाती है और वे उस संविदा का दायित्व उसी प्रकार होता है जैसे वो संविदा में लोग करते हैं, उसे प्रलक्षित संविदा कहते हैं। ऐसी संविदा का सर्जन, प्रस्थापन, प्रतिग्रहण, पक्षकारों के स्वतंत्र सहमति इत्यादि के आधार पर नहीं किया जाता। मतलब ऐसी जो संविदा है जो उन पर खुद आकर लगी है, ऐसी संविदा का सर्जन, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति इत्यादि के आधार पर नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य संविदा मान ली जाती है। जैसे खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह उसके वास्तविक स्वामी को उसी प्रकार लौटाए जैसी कि वस्तु संविदा के अंतर्गत दी गई हो। अब हमने यहां पर बोला था प्रलक्षित संविदा, ऐसी संविदा जो उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है लेकिन वो उन पर आरोपित हो जाए। ऐसी कैसी संविदा होगी ये आप सोच रहे होगे, ऐसे तो कोई संविदा हो ही नहीं सकती है। जिस प्रकार हमने पहली वाली वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था कि एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है और उसे एक सोने की अंगूठी पा जाती है, उस सोने की अंगूठी को वो उसी तरीके से हिफाजत रखने का जिम्मेदार व्यक्ति है जिस प्रकार वह अपनी सोने की चीज को संभाल कर रखता, और वह उस वस्तु को सोने की अंगूठी को वह उस व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मेदार है जैसे वो खुद उसके द्वारा उधार ली गई हो। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वस्तु उसने प्राप्त की है उसको उसके स्वामी तक पहुंचाए और उसे ढूंढे, ऐसी संविदा जो उस पर खुद आके लग गई है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपरिवर्तनशील संविदा, जब कोई मान्य संविदा कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण लागू नहीं कराई जा सकती, मतलब अपरिवर्तनीय संविदा जो चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तनीय यहां पे खुद इसका अर्थ है अपरिवर्तनीय जो कभी चेंज नहीं होती है, ऐसी संविदा जब कोई मान्य संविदा कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण लागू नहीं कराई जा सकती, मतलब कोई संविदा मतलब कुछ उसमें तकनीकी कमियां हैं उसके कारण वो लागू नहीं कराई जा सकती है, तथा पक्षकार उसके आधार पर बाद नहीं प्रस्तुत कर सकता, तो उसे अपरिवर्तनीय संविदा कहते हैं। मतलब उसमें कुछ त्रुटि है जिसके कारण उसे पेश नहीं कर सकते हैं तो उसे अपरिवर्तनीय संविदा कहते हैं, उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे संलेख, वचन पत्र पर उचित मूल्य से कम का टिकट लगाना, अगर सपोज करो हमने कोई बात दायर करा या कोई हमने बैनामा करा, उस पर हमें जितने रुपये की टिकट लगानी थी उससे कम की अगर हम टिकट लगाते हैं तो वो संलेख या वचन पत्र उचित मूल्य से कम टिकट का लगाना अपरिवर्तनीय संविदा कहलाएगा, वो ऐसा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटे छोटे
पटाखे के बराबर छोटे पटाखे से जो है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। आपने सुना होगा छोटा पटाखा बड़ा धमाका। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका जो सेंस है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए काफी है, ठीक है। इससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो आग अंदर की गहराई है, जो इनके शब्द हैं उनका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शून्य संविदा व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट विधि द्वारा परिवर्तनीय करार की संविदा होता है। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा होता है। जो विधि द्वारा क्या हो जाए, परिवर्तनीय, जो विधि द्वारा क्या हो जाए, चेंज। यदि कोई करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यदि कोई ऐसा करार है जो विधि यानी कानून द्वारा चेंज नहीं हो सकता, तो वह शून्य संविदा होगा, यानी कि वो जीरो संविदा माननी जाएगी। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत बहुत से ऐसे करार हैं जो नैतिकता तथा लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण विधि द्वारा मान्य घोषित किए गए हैं। आपको बस यहीं तक अपना ये काम डाउन खत्म कर देना है, आपको यहीं तक ये समाप्ति पर ले आना है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें इसमें नहीं करना है। आगे चलते हैं। आरंभता शून्य संविदा। आरंभता शून्य संविदा का मतलब है जो संविदा हमने की है वो शुरू से ही असंभव है, मतलब असंविदा है, मतलब वो आरंभ से ही क्या है, असंविदा है, वो मान्य ही नहीं है। यदि कोई संविदा आरंभ से ही शून्य है तो उसे आरंभता शून्य संविदा कहते हैं। जैसे अवयस्क के द्वारा की गई संविदा, यानी किया गया संविदा, जो अवयस्क होते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, उनके द्वारा जो संविदा की जाती है वो अमान्य होती है। इसे संविदा कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि यह करार की अवस्था से आके नहीं गुजरता, यानी कि संविदा लागू हो गई लेकिन जो संविदा हुई है स्टार्टिंग से ही, आरंभ से ही, लागू होने से ही, वो कैसी है, आरंभता कैसी है, शून्य है। क्योंकि जब छोटे बच्चे कोई संविदा करते हैं, अब से पहले मैंने जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराया है उसमें भी आप समझ गए होंगे, शुरू में अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर कोई संविदा करता है तो वो शून्य मानी जाती है। तो यहां पे है कि आरंभता शून्य संविदा, आप बच्चे वाला इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। आगे चलते हैं। शून्य करणीय संविदा। आगे देखते हैं शून्य करणीय संविदा। अधिनियम की धारा 2 ज के अनुसार, इसे देखते हैं कि कोई करार जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर परिवर्तनीय है किंतु दूसरे पक्षकार या दूसरे पक्षकारों के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है, यह शून्यकरणीय संविदा है। शून्यकरणीय संविदा वह है जिसे एक पक्षकार मान्य या अमान्य करता है लेकिन वह पक्षकार कौन है जिसकी संपत्ति कपट, असम्यक, असर्क, उत्पीड़न, मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा प्राप्त की गई है, उस पक्षकार के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, शून्य। उसे संविदा के अंतर्गत प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वह चाहे तो प्रतिज्ञा का पालन कर भी सकता है और वह संविदा को मान्य बना सकता है क्योंकि उत्तरदायित्व के अधीन उसी को होना है। इस प्रकार शून्यकरणीय संविदा एक मान्य संविदा है जब तक कि अधिकृत पक्षकार अपने विकल्प का प्रयोग करके उसे अमान्य ना कर दें। ए बे को धोखा देने के आशय से मिथ्या व्यपदेशन करता है कि ए के कारखाने में 500 मन नील बनाया जाता है, वह कारखाना क्रय करने के लिए उत्प्रेरित हो जाता है। संविदा बे के विकल्प पर शून्यकरणी है क्योंकि बे की सम्मति मिथ्या व्यपदेशन से प्रभावित हुई है। शून्यकरणीय संविदा कब होती है, जब कोई संविदा हम झूठ बोलकर करते हैं, हम कोई संविदा झूठ बोलकर करते हैं या अवैधानिक रूप से करते हैं या नाबालिग द्वारा कही जाती है
ऐसी संविधाएं जो विधि विरुद्ध हैं, असंवैधानिक हैं, या झूठ पर आधारित हैं, या उनका उद्देश्य किसी को चोट हानि पहुंचाना है, या उनका सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना है, ऐसी संविधाएं शून्य संविधाएं कहलाती हैं। जिस प्रकार यहाँ पर है ए, बे को धोखा देने के आशय से, मतलब आशय है उद्देश्य, यहाँ पे ए है, ए जो है बे को धोखा देना चाहता है, तो मिथ्या व्यपदेशन करता है, मतलब मिथ्या एक बात बताता है, झूठी बात बताता है कि ए के कारखाने में 500 मन नील बनाया जाता है, कि जो ए का जो कारखाना है उसमें जो है 500 मन नील बनाया जाता है। बे कारखाना क्रय करने के लिए उत्प्रेरित हो जाता है, मतलब जो बे है वो कहता है कि चलो 500 मन जब नील बनाया जाता है तो उस फैक्ट्री को मैं ही खरीद लेता हूं। संविदा बी के विकल्प पर शून्य करणीय है, क्योंकि बे की संपत्ति मिथ्या व्यपदेशन से प्रभावित हुई है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये छोटा पटाका बड़ा धमाका, मतलब ये हमारे 10-10 नंबर के आएंगे, हमें 5-6 लाइन लिखनी है, 10 नंबर अपने प्राप्त करने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं छोटा पटाका बड़ा धमाका। ए बे को मकान किराए पर न देने के कारण मार डालने की धमकी देता है। ए कहता है, ए जो है, ए कहता है बी को, जो मकान मालिक है, बी कौन है, मकान मालिक, को किराए पर न देने के कारण, ए बे को मकान किराए पर न देने के कारण मार डालने की धमकी देता है, वह सहमत हो जाता है। कौन सहमत हो जाता है, मकान मालिक। यह करार बे के विकल्प पर शून्यकरण है, क्योंकि उसने वह जो करार पास किया है, वह जो करार मान्य किया है, वो कैसा है, धमकी भरा है, और ऐसा करार आरंभ से क्या होता है, शून्य होता है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। धारा 19 के तड़ेपन पे 55 के अंतर्गत संविदा शून्यकरणीय होता है। अब ये तो थी शून्यकरणीय संविदा, अब हम पढ़ेंगे अभेद संविदा। अभेद संविदा क्या होती है, जब किसी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल, यानी प्रतिफल होता है लाभ, जब किसी संविदा का उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है, मतलब जो उन्हें जो लाभ हो रहा है उस संविदा का जो उद्देश्य है विधि विरुद्ध यानी कानून के खिलाफ है, तो उसे अभेद संविदा कहेंगे। प्रत्येक अभेद संविदा शून्य संविदा होती है, मतलब जब किसी संविदा का उद्देश्य प्रतिफल विधि विरुद्ध है, मतलब उसका उद्देश्य, उसका जो लाभ है जो विधि विरुद्ध है यानी कानून के खिलाफ है, उसे अभेद संविदा कहेंगे। प्रत्येक अभेद संविदा शून्य संविदा होती है, यानी कि जो अभेद करार होते हैं, जो अभेद संविदा होती है, वो शुरू से ही शून्य संविदा कहलाई जाती है, इसलिए उसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, यानी उनको कभी चेंज नहीं कराया जा सकता। निम्नलिखित अवस्थाओं में संविदा अभेद होती है, यदि किसी संविदा का उद्देश्य वे प्रतिफल यानी लाभ, अनैतिक लोक नीति के विरुद्ध, अनैतिक यानी जो हमारे नीति जो होती है उनके विरुद्ध होता है, लोक नीति यानी समाज के नियमों के विरुद्ध होता है, या विधि के द्वारा निषिद्ध, या ऐसी प्रकृति का है कि यदि लागू किया जाए तो विधि के प्रावधानों को निष्फल कर देगा, या किसी के शरीर व संपत्ति की क्षति या कुछ क्षति पहुंचाता है, या कपटपूर्वक पूर्ण है, मतलब ऐसी अभेद संविदा, ऐसी सभी संविदाएं अमान्य होंगी जो समाज को, लोक नीति को, विधि को, या अनैतिक और प्रतिफलों को नुकसान पहुंचाए, ऐसी संविदा आरंभ से ही शून्य होंगी, अभेद संविदा कहलाई जाएंगी, या ऐसी संविदा किसी की संपत्ति को या किसी की सुरक्षा को या शरीर को हानि पहुंचाए, ऐसी संविदाएं शुरू से ही अभेद संविदा होंगी। अभेद संविदा का मतलब है
अगर हमने कोई संविदा की, उस संविदा से किसी समाज को, किसी सार्वजनिक संपत्ति को, या किसी उद्देश्य प्रतिफल को, या किसी के शरीर को क्षति पहुंचती है, तो ऐसे ऐसी संविदा आरंभ से ही अवैध संविदा होंगी। निष्पादित संविदा, निष्पादित संविदा और देखते हैं, इनको आप कम से कम 2-2 बार देखना, आपके समझ में आ जाएंगी। यह है छोटा सा एक प्रश्न, अगर यह आपके आता है तो आपके 10 नंबर पक्के होते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, 20 नंबर ये किसमें है, ये है शॉर्ट में, किसमें है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर। थोड़ा अपनी तरफ से इसमें एक आध एग्जाम्पल डाल देने हैं और अपने 20 नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है। और इसको ही अगर आप 10 नंबर में आ जाए तो आप 10 नंबर भी प्राप्त कर सकते हो, 20 नंबर भी इनसे प्राप्त कर सकते हो एग्जाम्पल लगाकर। निष्पादित संविदा, प्रत्येक संविदा के अंतर्गत प्रतिज्ञाओं का पालन ही प्रमुख आधार होता है। जब हम कोई संविदा करते हैं, संविदा के अंतर्गत प्रतिज्ञाओं का पालन ही प्रमुख आधार होता है, यानी सबसे पहले जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कोई संविदा करते हैं, जब कोई व्यापार की बात करते हैं, तो सबसे पहले वहां पर जो प्रमुख बात होती है, प्रतिज्ञा जो हम वहां पर शर्त रख रहे हैं उसका पालन करना, प्रतिज्ञाओं का पालन करना सबसे प्रमुख आधार होता है, ठीक है। जिसके लिए पक्षकार बाध्य होते हैं, यदि किसी संविदा के अंतर्गत प्रतिज्ञाओं का पूर्णता पालन कर दिया गया है तो उसे निष्पादित संविदा कहते हैं। सबसे पहले हमें संविदा के लिए क्या जरूरी होता है, जो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो आप हमसे शर्त रखोगे मैं उनको पूर्ण करूंगा, जिस ठीक है, तो वो होती है प्रतिज्ञाएं, और उनका दोनों पक्ष क्या करते हैं, सही तरीके से पालन करते हैं। जिसके लिए पक्षकार बाध्य होते हैं, यानी उन्हें मानने के लिए, शर्तों को मानने के लिए बाध्य होते हैं, यदि किसी संविदा के अंतर्गत प्रतिज्ञाओं का पूर्णता पालन कर दिया गया है तो उसे निष्पादित संविदा कहते हैं। जब किसी संविदा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है तो उसे निष्पादित संविदा कहते हैं। ए बै को अपनी गाय उधार देने की प्रतिज्ञा करता है तो गाय को बिना मूल्य प्राप्त किए परिदत्त करना ही निष्पादित संविदा माना जाएगा, ठीक है। निष्पाद संविदा, देखो निष्पादित है ये संविदा है, निष्पादित संविदा, और ये है निष्पाद संविदा। जो संविदा पूर्णता पालित नहीं किया गया है, मतलब जिस संविदा का पूर्ण रूप से पालन नहीं करा गया है, इस वाली संविदा में क्या था, प्रतिज्ञाओं का पालन ही प्रमुख आधार है, जिसके लिए पक्षकार बाध्य होते हैं, मतलब पक्षकार जो है, जो प्रतिज्ञा होती है उसको पूर्ण रूप से मान रहे हैं, और ये क्या है निष्पाद। जो संविदा पूर्णता पालित नहीं किया गया है, जिस संविदा में, जिस कॉन्ट्रैक्ट का जो उन्होंने पूर्णता जो बातें तय करी थी उनका पालन नहीं किया जा रहा है, या पक्षकारों द्वारा कुछ कार्य किया जाना शेष रह गया है और जिसका पालन भविष्य में किया जाना है, उन्हें निष्पाद संविदा कहते हैं। मतलब जो उन्होंने पक्षकारों ने संविदा रखी थी, जो प्रतिज्ञाएं रखी थी, पक्षकारों द्वारा कुछ कार्य किया जाना शेष रह गया है, मतलब जो कार्य पूर्ण किया जाना था वो कार्य शेष रह गया है और जिसका पालन भविष्य में किया जाना है, मतलब वो कहते हैं कि मैं इसका पालन आने वाले भविष्य में करूंगा, उसे निष्पाद संविदा कहते हैं। जैसे ए बे को 500 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है, यदि वे ए उसे 10 जून तक अच्छी घड़ी देता है, इसे निष्पाद संविदा कहते हैं। ए बे को 500 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है, यदि बे ए बे को 500 रुपये देने की प्रतिज्ञा करता है, यदि बे उसे 10 जून तक अच्छी घड़ी देता है, इसे निष्पाद संविदा कहते हैं।
एक पक्षीय वे द्विपक्षीय संविदा। एक पक्षीय संविदा वह संविदा होती है जिसमें प्रतिफल निष्पादित रहता है तथा द्विपक्षीय संविदा वह है जिसमें प्रतिफल निष्पाद रहता है। देखो निष्पादित अलग है और निष्पाद अलग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। एक पक्षीय संविदा वह संविदा है जिसमें प्रतिफल निष्पादित रहता है तथा द्विपक्षीय संविदा वह है जिसमें प्रतिफल निष्पाद रहता है। समाक्षित संविदा, अधिनियम की धारा 31 के अनुसार समाक्षित संविदा ऐसी संविदा के साम्यपाश्विक जिस किसी घटना के होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने की संविदा है। जैसे ए वैसे संविदा करता है कि यदि से का घर जल गया तो वह बे को 10,000 रुपये देगा। यह समाक्षित संविदा है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि यह कुछ करने या ना करने का संविदा है। यदि कुछ घटना घटती है या नहीं घटती है तथा यह घटना ऐसे संविदा का संपार्श्विक होना चाहिए। मतलब उसने जो संविदा रखी है वो समाक्षित संविदा है। ऐसी कोई संविदाएं हैं जो उसके नुकसान के आधार पर वो संविदाएं की जा रही हैं, तो ऐसी संविदाएं संपार्श्विक संविदा होगी, है ना, कि जब तुम्हारा घर जल जाएगा तब मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। भाई पहले तो उसके आप घर को जला रहे हो भाई, उसे फिर ऐसी क्या संविदा है, मतलब जब तुम्हारा घर जलेगा तब मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो ऐसी संविदाएं समाक्षित संविदा होती हैं। मैं उन भाइयों की कमेंट का भी ध्यान रख रहा हूं जो कहते हैं मुझसे तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो मैं अब ज़्यादा ना बोलते हुए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करा के थोड़ा थोड़ा ही समझा रहा हूं। अब उम्मीद करूंगा आपका टाइम भी बचेगा और आपका डाटा भी बचेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, ठीक है। बाजीयुक्त संविदा, बाजीयुक्त संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर विरोधी विचार वाले दो व्यक्ति आपस में यह तय करते हैं। मतलब बाजीयुक्त संविदा, बाजी यानी कि हम शर्त लगाते हैं। बाजीयुक्त संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें भविष्य किसी अनिश्चित घटना पर विरोधी विचार वाले दो व्यक्ति आपस में यह तय करते हैं कि इस घटना के निश्चय पर एक की जीत या दूसरे की हार होगी। हारने वाला जीतने वाले को किसी निश्चित बाजी में रखी हुई कोई अन्य मूल्यवान वस्तु देगा। देखो बाजीयुक्त संविदा, इसका मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन कराया है, उस लॉन्ग क्वेश्चन में इसका पूरा सार और पूरा अर्थ है। बाजीयुक्त संविदा वो संविदा होती है जिसमें ऐसी संविदाएं की जाती हैं जिसमें घटना का होना और ना होना दोनों ही बराबर होता है। जैसे कोई व्यक्ति यह संविदा करता है कि अगर कल बारिश हुई तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। अगर बारिश, दूसरा पक्ष कहता है अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुम्हें दूंगा। मतलब दोनों शर्त लगाते हैं, एक कहता है बारिश होगी, एक कहता है बारिश नहीं होगी। तो ये कैसी संविदा है? बाजीयुक्त, और इस पर किसी का निर्णय नहीं है। आगे हमारे एग्जाम में कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हमारा सोने पे सुहागा ऐसा भी हो जाता है कि हमसे एग्जामिनर सिर्फ यह कह देता है कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित किसी एक विधि वेत्ता की परिभाषा लिखो, तो वहां पर हम एनसन की परिभाषा लिख देंगे या वहां पे ऐसे आ जाएगा एनसन की परिभाषा को बताइए, तो ये हमें एक ही लाइन 10 नंबर देके चली जाएगी। किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर, मतलब जो अनिश्चित घटना है, घटना के निश्चित होने पर धन या मूल्यवान वस्तु देने की प्रतिज्ञा की बाजी लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीयुक्त संविदा, ठीक है। इसको हम 10 नंबर में काउंट कर लेंगे, यह हमारे क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है, सिर्फ हमसे परिभाषा पूछ सकता है। संविदा कल्प, एक ऐसी संविदा कल्प, यह एक ऐसी अपवादिक संविदा है जिसके अंतर्गत पक्षकारों में संविदा द्वारा
सर्जित संबंधों के सदृश है। संबंध प्राकृतिक न्याय विसाम्य के आधार पर स्थापित हो जाता है। इस कारण से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति दायित्वाधीन होता है। यद्यपि पक्षकारों का आशय संविदा करना नहीं होता है, संविदा अधिनियम की धारा 68 से 72 तक में ऐसे संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह भी आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताना है। इनके मैं लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन डाल चुका हूं, वहां से आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो और थ्योरी भी ले सकते हो। ठीक है, अब आता है शून्य और अभेद संविदा में अंतर। शून्य संविदा और अभेद संविदा में अंतर, हम सिर्फ एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे। शून्य संविदा विधि के द्वारा अपरिवर्तनीय और निष्प्रभावी होती है। अभेद संविदा भी उद्देश्य में प्रतिफल अभेद होने के कारण अपरिवर्तनीय और निष्प्रभावी होता है। ठीक है, अब हम इसका एक क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं करना है। ए और बे बाजी युक्त करार करते हैं, ए हार जाता है, उस हारी हुई बाजी की अदायगी सै से उधार धन लेकर करता है, तो ए सै के बीच की संविदा संपार्श्विक संविदा है। ए सै को रुपया देने के लिए बाध्य है, लेकिन यदि ए सै से वेश्यावृत्ति अभेद कार्य में बकाया रुपया चुकाने के लिए उधार धन दे लेता है, वह देने के लिए बाध्य नहीं किया नहीं होगा, क्योंकि ए सै के बीच का सांपार्श्विक संविदा निष्प्रभावी होगा। लेकिन इसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि सै को इसका ज्ञान होना चाहिए। देखो, एक बात मैं बता रहा हूं, आपके पास मॉडल सभी के पास होगा, आपके पास अगर मॉडल है तो आप उसमें से कुछ क्वेश्चनों पे मैं टिक लगा रहा हूं, आप उनका रिवीजन एक बार कर लेना। शून्य और शून्यकरणीय संविदा, इसको आप अपनी लैंग्वेज में कर लेना। निष्पादित और निष्पाद संविदा, अभी मैं दोनों करा चुका हूं, इनका ही आप अंतर वहां पर लिख देना। प्रस्ताव और प्रस्तावक के लिए निमंत्रण, प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण, एक बार इसे रीड कर लेना है। ये हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपको इन्हें सिर्फ क्या करना है, एक बार अपने मॉडल से रीड कर लेना है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके 8 हैं, इनको आप अपने मॉडल से रिवीजन कर लेना। ठीक है, आपके पास वीडियो में ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, आप अपने मॉडल से इनका रिवीजन कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जिसे मैं आपको बताता हूँ, जिसे आप अपने मॉडल से ही कर लेना। ठीक है, यह वाला कर लेना, क्षति की दुरस्थता के सिद्धांत। ठीक है, यह आपका 20 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, हालांकि इसको चलो मैं आपको हल्का सा करा ही देता हूं। ठीक है, क्षति की दुरस्थता का सिद्धांत, क्षति की माप का दूसरा नियम धारा 73(2) में वर्णित है, जिसे क्षति की दुरस्थता कहते हैं। दुरस्थता का अर्थ ऐसी हानि जो संविदा भंग का स्वाभाविक या संभाव्य परिणाम हो, दुरस्थत कहलाती है। किसी भी दुरस्थ या अप्रत्यक्ष हानि के लिए जो संविदा भंग हुई हो, क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। इसमें हमें अपना और कुछ नहीं करना है, यह हमें क्या करना है, इसमें उदाहरण लेने हैं। ये हमारा अति लघु है, सिर्फ हमें इसमें ये वाला केस लिख देना है, बस यहां तक। और हमें सेकंड केस ले लेना है, हॉब्स बनाम लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी 1875। हमें सिर्फ इतने ये दो ले लेने हैं और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ये क्षति की दुरुस्तता
का सिद्धांत हमारा हो जाएगा। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद करता हूँ अब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन हैं हमारी तरफ से बिल्कुल समाप्त हैं, ठीक है। उम्मीद करूँगा और मैंने पूरी कोशिश की है जो आपका कल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है उसमें आपके 60 से 80 प्लस का पेपर आपका फंस जाएगा। ये पूरी उम्मीद करता हूँ आप कम से कम 80 प्लस का पेपर, 60 से लेके 80 प्लस तक का पेपर आप कर आओगे, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें ही आपका बीड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। और यह मेरे कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट वीडियो है। मैं उन भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ जो कमेंट में ये कह रहे थे कि आप बातें ज़्यादा करते हो। अब ये वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो तो थे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन थे, उनको मैंने समझाया था, और ये हैं शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। अब मुझे कमेंट करके ये बताना बिना एक्सप्लेन करे आपको कितने ये समझ में आए और कितना आपको इनसे लाभ मिला। आप बड़े खुश नसीब हो, आपको गाइड करने के लिए आपको कोई है, लेकिन हमारे वक्त पर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यही रही थी कि काश अगर हमें भी कोई गाइड करता तो आज हम यूट्यूब पर बैठकर आपको नहीं पढ़ा रहे होते, हम भी कहीं आपकी तरह कहीं वकील बन गए होते, ठीक है ना, कहीं अच्छे APO अधिकारी हो गए होते, ठीक है। आज हम अपनी मेहनत के दम पर प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों ने अब हमें बुरे वक्त में हमें गाइड करा था आज हम उनको थैंक यू बोलते हैं। और जिस वक्त को हमने खोया है, आप अभी LLB फर्स्ट सेम पे हो, LLB की फर्स्ट CD पर हो, आपको ऐसा ना हो आप इम्पोर्टेंट के चक्कर में आप अपना बहुत कुछ गवा दो, ठीक है ना। आपकी प्रथम CD है और आप में एटीट्यूड अपार है, ठीक है ना। अभी अपने एटीट्यूड को कम करो, आपको बहुत आगे जाना है, ठीक है। लॉ का सिलेबस इतना है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएगी, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएगी, लॉ का सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। जब तक हम इसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जब तक हम इसे समझते नहीं हैं, यह हमारे दिमाग में नहीं जाता है, ठीक है। यह कोई हिंदी हिस्ट्री इंग्लिश नहीं है, या तो इसे कंटिन्यूस याद करो या कोई कहानी बना दो। इसको समझना, इसके एक एक पॉइंट को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ये हमारे दिमाग से बाहर चली जाती है। और मैं उन भाइयों से क्षमा चाहता हूँ जिनको मेरी बातें बुरी लगें। भाई आपको बस मेरा मैसेज पहुँचाना था, अभी फर्स्ट सेम है, अभी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है। अभी से अगर आप ये कहते हो कि एक्सप्लेन मत करो, ज़्यादा बात करते हो, इतने बोलते हो, भाई हमें पता है हमारे वक्त पे हमें समझाने वाला कोई था नहीं, ठीक है। आप बड़े खुश नसीब हो, आपको कोई गाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो किसी का अपमान भी मत करा करो, ठीक है ना। आप मुझे सुझाव दे सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बोलते हो, फालतू बोलते हो, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग मत किया करो, ठीक है। आप अपने सुझाव में ये कह दिया करो कि सर क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा करो, हमारी बातों को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे कहता हूँ अपनी बातों के कहने के तरीकों को ज़रा बदलो, क्योंकि हमें लॉ के फील्ड में जाना है। अगर हम इसी तरीके से कार्य करेंगे तो हम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के क्लाइंट आया करेंगे, ठीक है ना। और आप अपनी मेहनत करो, आपके अब LLB से रिलेटेड नॉलेज, APO से रिलेटेड नॉलेज और इनसे संबंधित क्लासेस आती रहेंगी। और कुछ दिन बाद सेकंड सेम की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर बच्चों की कमेंट मेरे पास आई कि भाई सेकंड सेम की वीडियो भी हमारे पास भेजो, क्योंकि सेकंड सेम के एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि यह जो मार्च चल रहा है, मार्च के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम के जस्ट बाद हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है ना, सेकंड सेम के, फोर्थ सेम के और सिक्स सेम के। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड सेम की क्लासेस के लिए बच्चे कमेंट करेंगे। अगर आपकी कमेंटें आएंगी तो मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा कि सर सेकंड सेम की वीडियो डालो, ठीक है।
आप अपनी तैयारी करो, उम्मीद करता हूँ आज की आपकी तैयारी अच्छी होगी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ।